हेलो फ्रेंड्स, मैं सनी आज फिर स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी गुरु में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिस बात पर चर्चा करने वाले हैं वो वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट में जॉब करते हैं या करने की सोच रहे हैं या करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों, वैक्यूम पुलिंग जो आज का हमारा टॉपिक है, वैक्यूम पुलिंग के कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ निर्देश हैं जिसे जानना बहुत ही जरूरी है। क्लीनर का जो प्रक्रिया होता है और जो वैक्यूम पुलिंग का जो प्रक्रिया होता है दोनों का सेम कंडीशन होती है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत एक्सचेंज होता है क्या होता है और इसके बारे में भी और भी बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे आज कि वैक्यूम पुलिंग के निर्देश, ऐसे कौन कौन से निर्देश हैं जिसे जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, और पावर प्लांट में ज़्यादातर काम करते समय वैक्यूम पुलिंग में काम करने से पहले पॉइंटों को समझना और जानना बहुत ही आवश्यक है। आइए फटाफट देर ना करके हम जान लेते हैं, और अगर किसी भी प्रकार की डाउट होती है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेते हैं। तो आइए इस प्रकार से जो भी कुछ निर्देश हैं, जो भी कुछ पॉइंट्स हैं, स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं, जान लेते हैं, पूरा स्टेटस देख लेते हैं क्या है वैक्यूम पुलिंग के निर्देश। तो आइए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, CW पंप चलाकर कंडेंसर को चार्ज कर ले, उसके साथ ही में BCW लाइन की जो कंडेंसेंट पंप है उसकी वायरिंग कूलिंग के लिए चार्ज कर दें। इसका जो हमारा पहला पॉइंट है, CW पंप चलाकर कंडीशन को चार्ज करना पड़ता है, चार्ज कर ले उसके बाद उनको जो करना है वो क्या है, BCW लाइन कंडेंसेंट पंप की बेयरिंग में कूलिंग के लिए चार्ज कर दें, जिससे क्या इनके लिए बहुत ही इफेक्टिव होगा, वैक्यूम पुलिंग से संबंधित जो भी कुछ होगा बहुत ही अच्छा माना जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, वायरिंग गियर पर टर्बाइन के लेने के बाद हॉल वेल का जो तल होता है, हॉल वेल का जो तल होता है सामान्यतः गेज ग्लास के 2/3 यानी कि 2/3 भाग तक होना चाहिए। कहने का मतलब ये, वायरिंग गियर पर जो टरबाइन को लेने के बाद हॉटवेल जो समतल होता है सामान्यतः जो गेज लगे होते हैं वह 2/3 भाग होना चाहिए, 3 भाग तक होना चाहिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, एक कंडेंसेंट पंप को चलाकर डिस्चार्ज दाब जो हमारा होता है वह 20.72 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर पर रखें। जैसे कि ये जो कंसेंडेंट पंप होता है उसे चलाकर डिस्चार्ज दाब जो हमारी डिस्चार्ज वैल्यू होती है, दाब होता है या प्रेशर होता है, उसे हम 20.22 केजी वर्ग सेंटीमीटर यानी कि 20.22 वर्ग सेंटीमीटर तक रखें। चौथा पॉइंट है, सभी डायरेक्ट सीवेज ड्रेन वाल्व जो हॉट वेल LP हीटर या ड्रिप सिस्टम चिमनी कंडेंसर तथा ग्लैंड स्टीम कंडेंसर सिस्टम में लगे हैं और वातावरण में खुलते हैं बंद होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी डायरेक्ट सीवेज ड्रेन वाल्व जो होता है हमारा, जो ड्रेन वाल्व घुमाने का कार्य करता है, ये प्रेशर स्विचों में भी ड्रेन वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि जो हमारा प्रेशर यानी कि प्रेशर से ही पाइप पानी हमारा क्या होता है ऊपर जाता है, उसी हिसाब से नीचे के लिए ओपन खोलने के लिए और ऊपर पहुंचाने के लिए वाल्व को बंद करना होता है, खुलना पड़ता है, उसी को हम ड्रेन वाल्व कहते हैं, जो कि वेल LPG हीटर ड्रिप सिस्टम चिमनी कंडेंसर तथा ग्लैंड स्टीम कंडेंसर सिस्टम में लगे होते हैं और वातावरण खुलते हैं, उसे बंद होने चाहिए। हमारा पांचवा पॉइंट है, HPDFT तथा HP हीटर के लाइन वाल्वों को वैक्यूम सिस्टम में लगे हों तो बंद कर दें। यानी कि अगर HPDFT तथा HP हीटर के लाइन के वाल्वों का वैक्यूम सिस्टम में लगे हों, यानी कि अगर वो वाल्व वैक्यूम सिस्टम से लगे हों तो उन्हें क्या कर दें, ऑफ कर दें या बंद कर दें। ठीक, छठा पॉइंट क्या है, चिमनी स्टीम कंडेंसर के स्टीम साइड वाल्व को बंद कर दें, उसके साथ ही में तथा बाईपास जो उसके बाईपास वाल्व होते हैं उसे खोल दें, जिससे कि हमारा जो ग्लैंड स्टीम का लाइन है उसे भी खोल दें। अगर ग्लैंड लाइन के स्टीम को खोल देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है, ये हमारा क्या होता है कि जो प्रेशर होता है वो ऑलरेडी कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सातवां पॉइंट है, हमारा जो वैक्यूम ब्रेकर वाल्व जो लगा होता है CWM 28, इसको क्या करना है, पूरा बंद कर देना है तथा पानी को जो क्या है, पानी जो प्रेशर हमारे जिस हिसाब से पानी की, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि वाल्व लगे होते हैं प्रेशर स्विच में जी पानी की दाब बताने के लिए, दाब बढ़ाने के खोलने के लिए, तो उसी को क्या कर देना है, एकदम पूर्णतः बंद कर देना है। तो एक बार फिर से हमारा सातवां पॉइंट है, वैक्यूम ब्रेकर वाल्व जो है CWM 28 को पूर्ण रूप से बंद कर दें, जिससे कि पानी एक भी अंश पानी का ना जाए, उसमें पानी का वाल्व तक प्रवेश ना करें। ठीक है, उसके बाद आठवां पॉइंट है, 11 ईटा तथा 6 11 ईटा 6
तथा स्टीम जेट एयर इंजेक्टर के लाइनों के सभी ड्रेनों को खोलते हुए धीरे धीरे चार्ज कर रहे हैं। नौ पॉइंट है, एक चिमनी स्टेम को एग्जैक्टर फैन से सेक्शन वाल्व को 11 तथा डिस्चार्ज वाल्व को पूरा खोलकर चलाया जाए तथा सेक्शन वाल्व को इस तरह से नियंत्रित करें कि चिमनी में कंडक्शन स्टीम जो है, चिमनी में जो कंडक्शन स्टीम है वह जानते हैं कितना हो जाए, चिमनी में जो कंडक्शन स्टीम है वह 10%, वह क्या कर जाए कि वह 50 से 100 mm वाटर कॉलम वैक्यूम स्थापित हो सके। कहने का मतलब यह है कि एक चिमनी स्टीम में जो एग्जॉस्ट फैन के सेक्शन वाल्व को अगर 10% तक डिस्चार्ज वाल्व को पूरा खोल देते हैं या खोल देते हैं तब सेक्शन वाल्व को पूरी तरह से नियंत्रित करेंगे। चिमनी की स्टीम कंडक्शन सिस्टम में 50 से 100 mm वाटर कॉलम को वैक्यूम के लिए क्या कर देंगे, स्थापित कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 10वां पॉइंट है हमारा है, मेन एग्जेक्टर के दोनों एयर वाल्व को बंद होने चाहिए। मेन एग्जेक्टर दोनों वाल्व जो एयर वाल्व हैं उसको क्या कर देना है, बंद कर देना चाहिए। उसके बाद हमारा 11वां पॉइंट है, स्टार्टिंग इजेक्टर के स्टीम वाल्व को थोड़ा खोलें और फिर वार्म अप हो जाने के बाद पूरा खोल दें। उसके बाद क्या करना है, कुछ समय पश्चात वाल्व को धीरे धीरे खोलें, स्टीम दाब जब तक 10 केजी वर्ग सेंटीमीटर तथा तापक्रम उसका 300 डिग्री सेल्टीग्रेड होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। 12वां पॉइंट हमारा, जब 100 mmHg कॉलम वैक्यूम हो जाए तो सभी ग्लैंड सीलिंग चार्ज कर लें। सभी ग्लैंड सीलिंग को क्या करना है, चार्ज कर लें। जब इसकी mmHg कॉलम का वैक्यूम हो जाए तो सभी ग्लैंड सीलिंग को चार्ज कर लें। 13वां पॉइंट है, HP तथा LP ग्लैंड स्टीम का तापक्रम क्रमशः 300 से 150 सेंटीग्रेड पर ही रखें, उससे ज़्यादा ना रखें क्योंकि उससे ज़्यादा अगर रखते हैं तो कुछ देर भी बना रहता है। 14वां पॉइंट है, जब वैक्यूम 500 mmHg कॉलम हो जाए तब मुख्य इंजेक्टर को निम्नवत चार्ज करें। ठीक है, कहने का मतलब ये कि जब वैक्यूम जो हमारा है वह 500 mmHg कॉलम हो जाए तो उसका जो मुख्य इंजेक्टर है वह निम्नवत उसको चार्ज कर लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 14वां कक्का है कि साइफन ड्रेन के पहले तथा दूसरे स्टेज में लगे ड्रेन वाल्व को खोल दें तथा स्टीम वाल्व को पूरा खोल दें जिससे किसी भी प्रकार की किसी की असावधानी ना हो या किसी का कार्य ना रुके। हाँ, कुछ देर के बाद एक एग्जॉस्टर वाल्व को खोल दें, कुछ समय बाद उसके वाल्व को भी खोल दें, एयर वाल्व को भी खोल दें। ठीक है, उसके बाद 15वां पॉइंट है, स्टार्टिंग एग्जेक्टर के एयर वाल्व पहले बंद करें तथा बाद में स्टीम वाल्व को पूरा बंद करके स्टार्टिंग एग्जेक्टर को भी बंद कर दें। जैसे कि स्टार्टिंग इंजेक्टर को एयर वाल्व खोलते समय पहले बंद कर दें तथा बाद में स्टीम वाल्व को पूरा बंद कर दें, उसके बाद स्टीम स्टार्टिंग में इंजेक्टर को भी बंद कर दें। 16वां पॉइंट है, मुख्य इंजेक्टर को निम्नवत बंद कर दें, एयर वाल्व बंद कर दें, और दूसरा क्या है, एयर वाई एग्जेक्टर वाल्व बंद कर दें, तीसरा क्या है, स्टीम वाल्व बंद कर दें। इन तीनों को ही बंद करना होगा जिससे कि किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना आ सकें। दोस्तों, उसके बाद 17वां पॉइंट हमारा है, प्रथम और द्वितीय साइफन ड्रेन वाल्व को भी बंद कर देनी है। तो दोस्तों, ये रहा आपका वैक्यूम पुलिंग संबंधित निर्देश, और भी कुछ इस प्रकार से लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहूंगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को खुश रहने की कामना करता हूं। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओके, ऑल द बेस्ट साथियों, जय हिंद।